जय जोहार वीरो। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई सोनिया दीदी के घर पे भंडारे में खाना खाने के लिए। जैसे ही मुझे फ़ोन आया एक्साइटमेंट कि आहा भंडारा गांव में ऐसा तो होता था कि 10-20 किलोमीटर पैदल चले जाते थे भाई भंडारे के लिए। तो आज घने दिनों बाद भंडारा मिला है, नौता आया है। तो चलो चलते हैं सोनिया के घर पर, देखते हैं क्या माहौल रहता है क्या नहीं। तो अभी तो मैं मेरे गाँव में हूँ, तो मेरे गाँव से आज जयपुर जाऊँगा, फिर जयपुर से टोंक। तो निकलते हैं सोनिया के घर पर, मिलते हैं वहीं पर लड्डू बाटी चूरमा के साथ। तो मैं पहुंच चुका हूं भाई सोनिया के घर पे, जहां पर देखते हैं मुझे कौन कौन मिलता है, कौन कौन। अरे भाई इधर तो कोई भी नहीं है यार, अरे कहां चले गए सबके सब, यहां कोई नहीं है। आई थिंक वो सबके सब पीछे को बैठे मिलेंगे। अंदर चलते हैं, अंदर घर में कौन कौन है, कौन कौन। यहां तो खाने पीने की तैयारी चल रही है और माहौल इधर सजा चाय वाले का भाई। अरे चाय पियो, आप भी पियो पियो पियो। मैं सोच ही रहा था या तो खाते हुए मिलेंगे या बनाते हुए मिलेंगे या पीते हुए मिलेंगे। तो आप पी रहे हो यहाँ पे ना, चलो ठीक। सबसे पहले मेरे पास ले जाओ, देख रहा हूँ अच्छे से। तो भाई मैं पहुंचा था सोनिया जी के घर पे खाना खाने के लिए, तो मुझे वहाँ पे 5 भूखे ऑलरेडी मिले। ये बहुत ज्यादा गलत बात है और ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो आप दिखाओ 5 भूखे लोग कौन कौन है। वो सबसे बड़ा मैं, ये तो सबसे बड़ा मैं प्रोफेशनल भूखा। इसके अलावा बाबा जी है, उनका तो खैर बाबा, उनका तो काम ही है मतलब भूखा होने का। और ये मैडम, ये आप जयपुर से हो मैडम? जयपुर से ही हो ना आप? ये मैडम जयपुर से है जो खाना खाने के लिए देवली तक पहुंच चुकी है। तो अब वहाँ भी बताओ क्या किया जाए इन सबका। कभी आपके घर में जीवना हो तो बुला लेना। गुड्डू बॉस क्या हाल है आपके? हाय कर दो। हेलो बोलो, हेलो बोलो, एक बार बोलो मुझसे, प्लीज बोल दो, प्लीज प्लीज। अरे वाह, एक बार दोबारा बोलो, प्लीज प्लीज बोलो। अरे पीयू आम तो टूट टाट गया, आप क्या कर रही हो ऊपर? हाँ जा, गरीब आदमी के लिए लिया था लंबे। आज सोनिया की ड्रेस देखो भाई, मतलब वास्तव में लग्जरी लुक, बहुत अल्टीमेट। क्या बोलते हैं उस ड्रेस को, मतलब नाम क्या है इसका? राजस्थानी। वो राजपूत ड्रेस होती है वो अलग होते हैं, नहीं मिलती ना इनको। यहाँ आते भी और कोई काम नहीं था तो यहाँ भी रील बनाना शुरू कर दिया। देखो फुल माहौल और रील वील बनाना स्टार्ट। भोले बाबा हर जगह मौके का फायदा उठाते हुए सबसे आगे क्यों रहे हो? और ये दर्शक दर्शक इंस्टाग्राम पे नहीं देख रहे, डायरेक्ट देख रहे, गलत बात है ये। ये सोनी दीदी का ब्रदर है भाई। हेलो बोलो सबको, हेलो, राम राम करो, राम राम। अरे आप तो शरमा रहे हो यार, इतना तो दीदी भी नहीं शरमाती जितना आप शरमा रहे हो। मतलब क्या नाम है आपका? महेश। महेश, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिल के। तो अभी ये लोग गाय और भैंसों के बाड़े में, देखो भैंसों के बीच में वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील जिसको बोलते हैं। और सोनिया को जिसके तरह भी जानते हो ना, वो इंस्टाग्राम ही है जिसकी वजह से लोग ये फेमस हैं। तो अभी सबके सब उसी काम में लगे हुए हैं। शिमीणा आया हुआ है और उधर से शायद से जयपुर है मीची शर्मा, जो नेशनल खेली हुई जिमनास्टिक से, तो फेमस लड़की है भी। तो ये लड़की पहली बार गाँव में आई जिसको आप पिछले 4 दिनों से देख रहे हो। तो कैसा लग रहा है गाँव में हमारे भैंसों के बाड़े में बैठते हुए? कंफ्यूजन है कि वो गाय है या भैंस है। अरे मतलब यार मैं अभी इतनी देर से ये सोच रही हूँ, भैंस तो मेल होते तो मेल के कैसे बच्चा हो सकता है? मैं लिटरली इतनी देर से, भैंस इज जस्ट नॉट मेल ब्रो, बस करो बस करो, नहीं तो कमेंट्स मेरे को जूते फेंक फेंक के देंगे। इससे तगड़ा क्या हो सकता है? वो लड़की बोल रही है की भैंस क्या और गाय क्या है, मतलब यार हद है लेवल की। को पता चल गया कि इसमें फीमेल भी होती है, अब मेरे को पता चल गया। अरे दादा यार देखो, सिटी में नहीं होती है गाय, चीज में होती है फीमेल। ऐसा है, अरे मुझे लगा था कि गाय फीमेल होती है, भैंस मेल होता है। अच्छा, अरे वाह, मेरे को लिटरली मैं बता रहा हूँ हमारे तो बोलते गाय के फीमेल मेल को क्या बोलते हैं? गाय के मेल को बोलते हैं बैल, बैल और सांड, ठीक है? अरे रुक जाओ, उनको भी नहीं पता, देखो उनको भी नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली जो बोलते हैं भैंसा, भाई साहब रुक जाओ, एक वीडियो चल रहा है। ऐसा है, जो भैंस का मेल होता है ना उसको बोलते हैं पाड़ा या पड़ा, अलग अलग जगह इसके दो नाम है, ठीक है? और भैंसा भी बोलते हैं भैंसा, एक्चुअली भैंसा होता है हिंदी में बोले तो भैंसा, भैंस और भैंसा है ना। नहीं नहीं मैं नहीं खेल रहा है ना, मैं नहीं खेल रही तुम लोगों के साथ, नहीं खेल रही तुम लोगों के साथ, नहीं इतनी मैं इकलौती नहीं हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा।
हाँ बिल्कुल नहीं पता होगा, सही बात है। मैं पहली बार गांव में आई हूँ, यहाँ पे खेत भी होंगे ना, वो खेत के बीच में चला है। अरे भूख लग रही, आ जाओ एक एक रील खा के टाइम पास हो रहा है आपका, तो हमें भूख लग रही भाई, चलो खींच लेना ढंग से। बन चुके भाई लड्डू, हमारी साइड इसको चूरमा बोलते हैं, वैसे मतलब आप क्या ऐसी को बोलते हैं लड्डू, हमारे चूरमा बोलते हैं इसको, चूरमा दाल बाटी चूरमा बोलते हैं, आपको बोलते हैं लड्डू बाटी। तो ये बन चुके भाई सबके लिए, आ जाओ। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये है सोनिया की बहन, बहन नहीं ये है सोनिया की जिठानी, तो दोनों ने तैयारी कर ली है भाई पूरी की पूरी, और जल्दी से खाना लगा दो, रे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बैठ चुके सबके सब अपने माहौल में है भाई, पत्ता लगाओ भाई। देखो यहाँ का लोके का तेरे को लोग बन प्यारी समझ गई, वो बोल रहे हैं खाना लाओ रे जल्दी करते हैं, खाने को दे रे, खाने को लाओ रे। आ गया भाई ये चूरमा, हमारी साइड इसको चूरमा बोलते हैं, खाना दो रे इसको, लड्डू इसको जब हो गया ना तब इसे चूरमा बोला जाएगा। हां हां से हां हमारी साइड भाई, इसलिए वो कहें गुलगुल के नहीं, हमें सब्जी दे दो, ये दिखा लो फिर बाटी, दैट्स बाटी नॉट बोटी। दो रुपया और ये सुबह से खाना नहीं खाया, लड्डू बाटी के चक्कर के अंदर दो दिन से खाना नहीं खाया मैंने इस चक्कर में, तो और यहाँ आते मेरे को, और ये तीन दिन से भूखे हैं अभी। हाँ हाँ कैमरा दाल मत पटक दीजिए, पट दाल वाया आपको पता है मैंने इस लड्डू बाटी के लिए दो दिन से खाना नहीं खाया है, और इसलिए वहाँ पे टूट पड़ा हूँ, तो करते हैं माहौल बनाते हैं। तो हम सब ने साथ ही बैठ के खाना खाया पत्तल में, सबके सब एक साथ बैठे, सोनिया सोनिया की जिठानी ननद वगैरह वगैरह, तो सब सबसे ज्यादा खाने वाली सोनिया, बाकी सब उठ चुके हैं देख लो भाई, उसका रीजन भी है चिली वो सबसे ज्यादा खाने वाली क्योंकि वो दो इंसानों का खाती है। हाँ ये तो है, ये तो है, मानना पड़ेगा बहुत। सबके बाद में बैठी थी मैं, ठीक है ना, झूठ 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 झूठ, सबसे पहले बैठा था मैं, खाया हूँ ज्यादा सबसे स्टार्ट है वो। सांप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, उधर चल रहे हो ना, अरे वो रे भाई उधर से वो बैठी खेत में भाई, और ये मतलब आज गांव का पूरा मजा ले रही है, वो पता नहीं क्या चाहती है यहाँ के। तो भाई ये है सोनिया दीदी के ससुर जी, राम राम करो सबको, राम 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 जी। और ये इनके दोस्त दोनों बैठ के बीड़ी पी रहे खेत में यही है भाई घर के पीछे इनका एंजॉयबल टाइम, खाट पे आम के पेड़ के नीचे जो कि इनकी बेस्ट जगह है। अभी इन लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया ना कि देखो ये मतलब ऐसे पड़े पता नहीं कितना खा लिया देखो। तो ये एक्चुअली यहाँ का इतना ज़्यादा खा चुके हैं ना कि जमीन जमीन पे बैठना पसंद कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा खा लिया कि बस ओवर हो गया सब। चलो आपने मुझे नहीं लिया वरना बोलते निकालने की पोजीशन में बैठे। अरे आप आ ही नहीं रहे पार्टिया पे, एक बार दोबारा क्या बोला उन्होंने, पार्टियो मतलब ये पट्टा, इसको बोलते हैं हमारी साइड टेबल, टेबल तो बड़ी वाली होती है, टेबल तो वो दूसरी होती है। अच्छा अच्छा जी, ओके छोटी टेबल है, ओके ओके ओके, पार्टियो बैठो ना पार्टियो। ये देखो मेरे पास 50 रुपये, अरे क्या बात है पीयूष, इधर आना बहना, 50 रुपये, क्या बात। तो भाई ये था सारे दिन का प्रोग्राम सोनिया घर पे, तो लोग लेट नाइट तक खाने के लिए आए। एक्चुअली इनके यहाँ कोई भैरव बाबा का ये त्यौहार मनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके गांव में मनाते हैं, जो हमारे यहाँ की दीपावली से भी बहुत बड़ा त्यौहार है, मतलब दीपावली पे कोई एक दूसरे के नहीं आता लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा त्यौहार है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो रे।